जम्मू कश्मीर के शोपिया और हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण शोपिया के किलार इलाके में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। 4 से 6 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया था। अभी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। वहीं हंदवाड़ा में भी सेना ने 2 आतंकियों को घेर रखा है। मुठभेड़ जारी है। बता दें, गुरुवार सुबह आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। सेना ने भी आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई और 3 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। कश्मीर के 2 अलग अलग इलाकों में आज रात से जारी 2 अलग अलग मुठभेड़ों में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 स्थानीय मिलिटेंट मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ रात को शोपियां जिले के किलर इलाके में शुरू हुई, जहां पर सुरक्षा बलों को एक जंगली इलाके में मिलिटेंटों के हाइड आउट होने की खबर मिली। जब इलाके की घेराबंदी कर दी गई, वहां पर गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें ये 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। दूसरी मुठभेड़ कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में लंगेट की जगह पर शुरू हुई है, जहां पर बीती रात सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि एक रिहायशी इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिनकी तादाद 2 बताई जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। उससे पहले कश्मीर में हो रही इन 2 मुठभेड़ों से साफ जाहिर होता है कि कश्मीर में चुनाव से पहले सुरक्षा बल मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी ला रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। बता दें कि दक्षिणी शोपियां में गुरुवार को देर रात से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने केलार इलाके को घेर लिया था। बुधवार को शोपियां जिले में आतंकियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जानकारी दी। एक पुलिस अफसर ने कहा कि बेमनीपुरा गांव निवासी तनवीर अहमद डार की गंभीर रूप से घायल होने के कारण तत्काल मौत हो गई। मारे गए युवक की उम्र 24 साल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।